पानीपत में मेगा मित्तल मॉल में भूतहा घर भूत बंगला देखने आई ननंद भाभी के साथ अश्लील हरकतें की गईं। यहां भूत बंगले के अंदर दो युवकों ने अंधेरे का फायदा उठाकर महिलाओं के हाथ पकड़ लिए, उनके प्राइवेट पार्ट्स को छूने की कोशिश की। इस हरकत पर महिलाओं ने भी उन पर लात घूंसे बरसाए, जिसके बाद वह चीखने चिल्लाने लगी। बाहर आकर उन्होंने अपने पति को घटना की जानकारी दी, लेकिन तब तक दोनों आरोपी भाग चुके थे। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। महिलाओं से छेड़छाड़ करने वाले दोनों आरोपी सीसीटीवी में कैद हुए हैं, जिसमें वह महिलाओं के पीछे अंदर जाते और फिर उनसे अश्लील हरकतें करते दिख रही हैं। चांदनी बाग थाने में दी गई शिकायत में महिला ने बताया कि वह किला थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी की रहने वाली है। 9 जुलाई को वह अपनी ननद और पति के साथ सेक्टर 25 स्थित मित्तल मॉल गई थी। अच्छा, एक परसों घटना घटी है, आप मोल की तरफ से वर्जन लेना चाह रहे हैं, क्या पूरा मामला था और क्या आपने सहयोग किया? पर देखो, मेरा जो सहयोग बनता था, मैंने अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई करने के लिए, मैं जैसे ही पुलिस मेरे को कॉल करेगी मैं ऑन द स्पॉट वहाँ मिलूँगी। वैसे हमने सिक्योरिटी की तरफ से, हमने सिक्योरिटी की यदि लेडीज लड़की की कोई इन्फॉर्मेशन मिलती या हंटेड हाउस कोई हमें इन्फॉर्मेशन देता तो हम उसी टाइम तो पूछ लेते। हालाँकि हमारी सिक्योरिटी 24/7 रहती है। हमने जब इन्फॉर्मेशन मिली उनके फैमिली के थ्रू, हमने उन ऑन द स्पॉट उन पर सारी वीडियोज़ वगैरह सारी चीज़ें दिखाई। हमने ये नहीं सोचा, क्योंकि जो गलत काम करता है उसका हम गलत कभी नहीं सोचेंगे। हम चाहते हैं भी उनके साथ जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। कुछ फुटेज भी बता रहे हैं कि अंदर बाहर की फुटेज थी, जो कैमरे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनमें फुटेज हमने प्रशासन को दे दी गई। तो सीसीटीवी में है कैद ये सब? हाँ, सीसीटीवी में सारी चीज़ें, उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, सीसीटीवी में कैद हैं। वो जो भी कार्रवाई कर रहे थे वो मतलब हाथापाई ही हुई थी, इतना वो बंदे बाहर आ गए, उसमें सीसीटीवी में नज़र आ रहा है, बस ये कार्रवाई हुई थी। हम तो सफाई हो चुकी है, वो आइडेंटिफाई अभी पुलिस कर ही रही है, हमें तो पता नहीं चला, शक्ल से हम पहचान नहीं पा रहे। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र। क्या पद है आप? मैं मैनेजमेंट से भूपेंद्र। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।